अब हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास कुछ सीक्वेंस के रिलेटेड होगा और सीरीज के रिलेटेड होगा। तो हमारे पास कोई भी अगर सीक्वेंस लिखा हुआ है तो उसकी कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कॉमन है, तो क्या होगा हमारे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, या इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। इसी तरह अगर चेक करना हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, तो कोई भी दो टर्म को डिवाइड कर लेंगे, दूसरी टर्म को ऊपर रखेंगे, पहली को नीचे रखेंगे, और उनका अगर रेशियोज कोई भी दो को लेंगे, दो दो को चेक करते जाएंगे, तो उनकी सेम अरिथम हमारे पास ज्योमेट्रिक होगा। और इसी तरह ये जो नीचे हार्मोनिक हमारे पास होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इनवर्स होता है कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फार्मूला क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल किसका होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब अरिथमेटिक का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। एन हमारे पास एंथ टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म को शो करेगा एन, और कॉमन डिफरेंस को शो करेगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इसके बाद अरिथमेटिक मीन का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका फार्मूला ए प्लस बी ओवर क्या होता है? टू। अब अरिथमेटिक सीरीज की अगर बात आती है तो हमारे पास इसके ये दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर ए एन की वैल्यू डायरेक्ट दी है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। सो ए एस एन इज इक्वल क्या होगा? एन ओवर टू प्लस एन माइनस ए वन प्लस ए एन। अगर ए एन की वैल्यू ये वाली जो खड़ी यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला आता है तो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होगा। ज्योमेट्रिक मीन अगर आता है तो ये प्लस माइनस के रूप में ये हो जाएगा। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास ये डिफरेंस कंडीशन होगी, ये फाइनाइट के केस में होगा जब हमारे पास एस एन क्या हो जाएगा? ए वन वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। सो मेन हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इसमें से आ सकता है, एस इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर इनफिनिट सीरीज के लिए। तो अगर इनफिनिट नहीं होती, फाइनाइट सीरीज होती, फाइनाइट मतलब जिसकी एंड हो रहा होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला होंगे। जब आर की वैल्यू वन नहीं होगी, जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, जब आर की वैल्यू का मॉड जो है ग्रेटर देन वन होगा। सो मैंने इसमें ये फार्मूला, जब इन्फिनिट सीरीज आती है ना तो ए वन ओवर वन माइनस आर याद करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो रेसिप्रोकल होता है उसका। अरिथमेटिक का मतलब कोई भी क्वेश्चन हार्मोनिक से आता है ना तो अरिथमेटिक को फाइंड कर लेंगे, उसी का इन्वर्स ले लेंगे, मतलब टू थ्री था तो उसको वन ओवर टू वन ओवर थ्री कर देंगे। हार्मोनिक जो मीन है उसका फार्मूला क्या होता है? टू ए बी ओवर ए प्लस बी। इसके अलावा ये हमारे पास ये फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सो इसमें एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन वो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर होता है, और अगर हमारे पास ए और बी पॉजिटिव नंबर हैं तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। और अगर ए और बी नेगेटिव नंबर हैं तो ए जी एच, मतलब ए सबसे छोटा होगा, जी उससे बड़ा होगा, और एच सबसे बड़ा होगा। ए जी एच में अगर पॉजिटिव नंबर है तो ए वाली साइड पे हम सीक्वेंस को खोलेंगे, और अगर नेगेटिव है तो एच वाली साइड पे खोलेंगे। अगर सम का हमारे पास आता है तो सम में ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि सम ऑफ वन प्लस वन प्लस वन सीरीज वो हमारे पास क्या होता है? एन होता है। और समीशन अगर आता है के तो इसका फार्मूला एन एन प्लस वन ओवर टू, और अगर के स्क्वायर आता है तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। ये फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ये तीन चार फार्मूले। और के क्यूब आता है तो इसका फार्मूला ये पहले वाला लिख लें या दूसरे वाला लिख लें। अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया इनका सम फाइंड करें तो आप देखें थ्री को लिखेंगे, थ्री बाहर निकालेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन। अब हमें इन तीनों के जो फार्मूले, ये देखें समीशन वन थी तो फार्मूला एन था, एन थी तो इसका फार्मूला हम पीछे ऊपर देख चुके हैं, वो पुट कर देंगे, एन स्क्वायर का फार्मूला पुट कर देंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है फैक्टोरियल के रिलेटेड। तो इसमें से हमारे पास जो मेन है वो परमुटेशन होगी। परमुटेशन में भी दो केस हमारे पास बनेंगे, ये इसका फार्मूला होगा, हम ये कैलकुलेटर से भी इसको डिरेक्ट कर सकते हैं। सो अगर नो रिपीटेशन है हमारे पास, मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा जिस तरह ये प्लेन लिखा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला एन पी एन हो जाएगा डायरेक्ट, 5p5 6p6 जो भी है। अगर रेपिटेशन आ रही है लेटर्स में तो इसका फार्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल, मतलब टोटल जितने नंबर हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइड किससे हो जाएगा? एस जो है, या आपके पास आई है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई
एस 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, पी जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। सो ये हमारे पास होगा। अगर परम्यूटेशन में सर्कुलर परम्यूटेशन आती है तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू फिक्स होती है, मतलब उसने 5 बंदे बैठे हैं चेयर पे तो एक की पोजीशन फिक्स आती है, तो इसके लिए हम एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखेंगे। अगर फिक्स पोजीशन नहीं है तो इसके लिए 1/2 n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख सकते हैं कि क्या क्या परम्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इस परम्यूटेशन के बाद हमारे पास जो मेन आता है वो कम्बिनेशन आता है। कम्बिनेशन को भी हम उस कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 7.234 x साइज होंगी और इसमें 7.8 और 7 करने वाली साइज है, उसके अलावा कोई नहीं। कम्बिनेशन हमारे पास अरेंजमेंट होती है जिसमें नो ऑर्डर मैटर नहीं करता कोई भी। तो इसके लिए अगर हमने कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है तो वो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या इस तरह भी इसको देख सकते हैं। सो इसमें ये हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास 4 वाला, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि एन सी आर है इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये है। तो इसका ये हमारे पास एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, टेन सी 7 को हम टेन सी 3 के इक्वल भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी में ये हमारे पास फार्मूला होता है एन ओवर एम, मतलब एन ओ पी ओवर एन ओफ एस। एन ओफ एस का मतलब ये हमारे पास 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, टोटल 4 लिख देंगे, ई में 3 आ रहे हैं तो 3/4 इसका आंसर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक जो मेन 7.7 एक्सरसाइज है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एडिशन में हमारे पास क्या होगा, परम्यूटेशन ऑफ पहले नंबर पे यू और आएगा। जब और आएगा तो उसका मतलब यूनियन होता है। इसमें 2 केस होते हैं, जब हमारे पास सेट में कुछ कॉमन हो, जिस तरह ये है ओवर एडिस ज्वाइंट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें हमारे पास 2 कॉमन है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, जब कुछ कॉमन होगा तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये याद रखना कब होगा, जब हमारे पास और लिखा क्वेश्चन में आता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और अगर इसी तरह एंड आ जाता है तो एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ क्या हो जाएगा, बी। पी ऑफ ए हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस होगा, मतलब ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको लिख लेंगे और टोटल एलिमेंट। पी ऑफ बी का मतलब बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं और टोटल एलिमेंट, ये लिख देंगे हमारे पास। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास दो तीन चीज़ें होगी। एक मैथमेटिकल इंडक्शन होगा और इसमें बाइनोमियल थ्योरम होगा। सो मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप हमारे पास होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ वन इज ट्रू, फिर एस ऑफ के इज ट्रू, देन एस ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की जगह पे 1 लिख देंगे। सेकंड कंडीशन में एक्स अगर है लिखा हुआ तो एक्स की जगह पे के लिख देंगे, एस ऑफ के फाइंड कर लेंगे, फिर एस ऑफ के प्लस वन फाइंड कर लेंगे। इतना तकरीबन हर क्वेश्चन में सेम होगा। इसके बाद उसमें बाइनोमियल थ्योरम आता है, ए प्लस एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे एन फैक्टोरियल कम्बिनेशन सी लिखा हुआ है, इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एन 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी आर माइनस 1, ये कोई भी आता है तो इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ऑब्जर्वेशन होगी, नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन इज 1 ग्रेटर देन, मतलब आपकी एक्सपेंशन में पावर 3 थी तो उसकी टर्म 4 हो जाएंगी। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड एक्स इज इक्वल टू द इंडेक्स, मतलब पहला नंबर जो आ रहा है दूसरा, इनकी जो पावर है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एन पावर थी टोटल वो बन जाएगी। एक्सपोनेंट्स ऑफ ए डिक्रीज, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इंक्रीज, पहले के डिक्रीज होते जाते हैं दूसरे के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ दी, उसके बाद इसके अगर जनरल टर्म देखें टी आर प्लस वन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होगी एन कम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। मिडिल टर्म अगर फाइंड करनी है आपने तो इसके लिए फार्मूला होता है, अगर आपके पास जो पावर आ रही है वो इवन नंबर है तो आपकी मिडिल टर्म एन ओवर 2+1 हो जाएगी, और अगर आपके पास पावर जो है क्वेश्चन की वो ऑड है तो एन प्लस 1/2 वो टर्म लिख लेंगे, एंड एन प्लस 3/2 वो टर्म लिख लेंगे। सो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला 1+nx+ एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। बाइनोमियल सीरीज का जो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है ये 8.3 में से होगा, तो डायरेक्ट सिंपली हम उसका ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।